आज की इस वीडियो में आप जानेंगे और सीखेंगे बिहार सरकार के द्वारा उद्योग विभाग में जो उद्यमी लोन के लिए जो आवेदन लिया गया था, यानी कि युवा को जो उद्यमी करने के लिए बिजनेस करने के लिए लोन देने वाला एप्लीकेशन लिया गया था, यानी कि उद्योग विभाग के द्वारा लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया था, करवाया गया था युवाओं से, जो कि 10 लाख तक का लोन था, तो उसका जो आपने फिलअप किया होगा उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन अब जो है उसकी चयन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो वो जारी कर दिया गया है, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो वो जारी कर दिया गया है। अगर आपने उद्योग बिहार से हैं और उद्योग विभाग में लोन के लिए आवेदन किया था 10 लाख तक का, यानी कि अपना बिजनेस बिठाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार 10 लाख तक का लोन देती है, उस लोन के लिए अगर आपने आवेदन किया था, तो उसके लिए जो सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप जान सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं आया, उसके बाद अब क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी जरूर करें। तो चलिए, उसके लिए आपको आना होगा उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ताकि आप किसी गलत वेबसाइट पर ना आ जाए। तो डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जो उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इस पे आएंगे, आपको डैशबोर्ड पे ही आपको देखने को मिलेंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट SC ST और EBC और महिला। तो आपको क्या करना है, फाइनल युवा आप जो फिलअप किए थे किसी भी कास्ट से, तो आपको युवा वाले पे क्लिक करना है, यानी फाइनल सिलेक्शन युवा के सामने जो डाउनलोड बटन, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। युवा वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो PDF ओपन हो जाएगी, जो PDF अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। इसमें सभी जाति के, युवा के जितने भी जाति है, सभी जाति के इसमें आवेदन लिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ID और आपका सबमिट डेट, कब सबमिट किए थे, और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपकी कैटेगरी और किस बिजनेस के लिए आपने अप्लाई किया था जो आपका सिलेक्शन हुआ है, जो कि 17 दिसंबर को ये लिस्ट जारी किया गया है, जो कि फाइनल लिस्ट है। जो भी आपका जिला हो, आप इस तरह इसको नीचे करके सर्च कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं, या कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगी। मोबाइल नंबर भी डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। जो भी आपको मोबाइल नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल हो, आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी, यानी कि आपका नाम आ जाएगा अगर सिलेक्शन हुआ होगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी सर्च करके भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं, या आप इस तरह अपने जिले के लेवल पर जा सकते, जैसे औरंगाबाद है, इसको नीचे करेंगे, जो भी आपका जिला उस जिले में जाएंगे और वहां पे अपना सर्च करेंगे आपका नाम इस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में हुआ है या नहीं, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सारा चीज रहेगा। ठीक है, अगर इस लिस्ट में आपका नाम हुआ आया है तो इसका मतलब है आपका जो लोन है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। अब आपका लोन प्रोसेसिंग किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये लोन का प्रोसेसिंग अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो ये इसका प्रोसेसिंग आगे का प्रोसेसिंग आपको अपने जिले में, आपको अपने जिले जाना, और जिले में जाके आपको आपके जो उद्योग विभाग के पदाधिकारी होंगे उनसे आपको मिलना, क्योंकि अब जो इसके आगे का प्रोसेस है वो कौन करेगा, वो उद्योग विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी होते वो करेंगे। तो आप अपने जिले में जाएंगे, जो भी आपका जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पे जाएंगे, और जो भी उद्योग विभाग के अधिकारी होंगे उससे आप आगे के प्रोसेस जान सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो आगे की प्रोसेस होगी ये आपके डिस्ट्रिक्ट से होगी, ना कि आप पटना से होने वाले, पटना से जितना काम होने वाला था पटना से काम जो है सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये सिलेक्शन लिस्ट में अगर नाम है तो आप आगे का प्रोसेस जानने के लिए अपने जिला जाएंगे और उद्योग विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वहां पर उनसे संपर्क करेंगे, आगे की प्रक्रिया वो आपको बताएंगे। तो ये समझ गए कि आपका लिस्ट जारी हो चुका है, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गया है। अगर उस सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है तो अपने जिले में जाएंगे और जो भी उद्योग विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये कंफर्म है कि आगे के प्रोसेस जो आपके जिला से ही होने वाले हैं, तो आपको पटना वगैरह कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे का जो प्रोसेस, जो भी है वेरिफिकेशन, जो भी काम आगे का होने वाला है, वो सारे काम आपको
कहाँ से होगा? आपके जिला से ही होगा, ये बात कंफर्म है। तो आगे मैं अपने जिला से भी पता कर लेता हूँ क्या प्रक्रिया है इसका, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी क्या प्रक्रिया है। आप अपने जिला से भी इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मैं पता करता हूँ इसके बारे में क्या जानकारी है, तो वो हम आपको न्यू वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना पसंद है तो डिसलाइक करके जरूर हमें बताइए।